बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रहमत दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह कायनात हैं। आप सबको जुमा मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है पोटैटो स्प्रिंग रोल की। रेसिपी का आगाज़ करते हैं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर एक पतीली रखी है, एक खाने का चम्मच तेल का डाला है, एक प्याली इसमें सब्ज़ प्याज डालेंगे, सफ़ेद वाला हिस्सा बारीक कटा हुआ, और इस प्याज को 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट सौते करने के बाद इसमें हमने मसाले शामिल करने हैं। मसाले देख लीजिए, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चाय का चम्मच है, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच है, अमचूर 1/4 चाय का चम्मच है, इसके अलावा गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, नमक हसबे जायका है, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच है और अजवाइन 1 चुटकी है। ये सारे मसाले शामिल कर दिए हैं प्याज में और इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें 4 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको उबाल के कुचल लिया है वो शामिल कर देंगे। इसके साथ ही सब्ज़ प्याज का जो सब्ज़ वाला हिस्सा होता है वो 1/2 प्याली बारीक कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको ठंडा कर लेंगे इस्तेमाल से पहले। पोटैटो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए रोल पट्टी ले ली है जो घर में तैयार की है। मैदा और पानी मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो स्टफिंग तैयार की है आलू से वो लगाएंगे और इसको 2 से 3 दफ़ा रोल करेंगे। उसके बाद साइडों से अंदर की तरफ को रोल करेंगे और फिर आखिर में जो पेस्ट तैयार की है उसको लगा के इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। ऐसे ही हमने अपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए किसी ट्रे में रैप बॉल या कोई शॉपर काट के लगाएंगे और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ये रोल्स हम इसमें रख देंगे और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये जम जाएं, ताकि जब हम इनको फ्रीज़ करें तो ये आपस में चिपके नहीं। ये देखें, ये आपस जम चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसके बाद इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट बैग में डाल देंगे, जितने आसानी के साथ एक बॉक्स में आ सकते हैं उतने डाल देंगे और ढक्कन लगाएंगे इसके ऊपर, इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। आप सारा रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल्स को फ्राई करने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर तेल गरम किया है, दरमियाना गरम तेल चाहिए इसके लिए। इसमें रोल्स को फ्राई कर लेंगे। रोल पट्टी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रोल्स फ्राई हो जाएं तो किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब इन रोल्स को हम डिश आउट कर लेते हैं। मैं इनको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने आपके साथ चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप की रेसिपी शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपनी फेवरेट सॉस के साथ आप इन रोल्स को सर्व कर सकते हैं। तो पोटैटो स्प्रिंग रोल अब रेडी टू सर्व हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फी अमान अल्लाह।